आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। 1945 का वर्ष विश्व इतिहास और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी और वो थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो 24 अक्टूबर 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख लक्ष्य था विश्व शांति की रक्षा करना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी राष्ट्रसंघ नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना विश्व शांति के उद्देश्य से ही हुई थी, लेकिन राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में असफल रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से 1945 तक चला। भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध न हो और विश्व में शांति स्थापित रह सके, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख अंग कौन कौन से हैं वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अंग है महासभा या जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश होते हैं सब महासभा के सदस्य होते हैं, महासभा में सम्मिलित होते हैं। तो एक प्रकार से जो महासभा है जिसे जनरल असेंबली कहते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संसद की तरह है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 15, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद बदलते रहते हैं, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो हमेशा बने रहते हैं। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन स्थायी सदस्यों के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति होती है जिसे वीटो की शक्ति कहते हैं, वीटो पावर। अर्थात अगर इन 5 सदस्यों में से सुरक्षा परिषद के अंदर रखे जाने वाले किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध इन 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई एक भी उसके खिलाफ वोट दे देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। अर्थात सुरक्षा परिषद के शेष सभी सदस्य सहमत हो परंतु 5 में से स्थायी सदस्य सहमत नहीं हो तो वीटो का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को खारिज करवा सकता है। भारत भी लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली। तीसरे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग में प्रमुख भूमिका निभाती है। और जहां महासभा और सुरक्षा परिषद का लक्ष्य विश्व में शांति स्थापित करना और राजनीतिक दृष्टि से विश्व को शांत माहौल में रखना है, वहीं आर्थिक और सामाजिक परिषद का उद्देश्य जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। हाँ, अगर ये देखा जाए कि वास्तविक शक्ति किसे प्राप्त है तो सुरक्षा परिषद को प्राप्त है। अगर दो देशों में विवाद होता है तो सुरक्षा परिषद उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और उन देशों को आपस में बातचीत के माध्यम से समझौता करने के लिए कह सकती है और आवश्यक पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का आदेश भी दे सकती है। चौथा अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद को अंग है जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और ये विलुप्त हो चुका है। न्यास परिषद का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश स्वतंत्र नहीं हुए थे उनकी देखरेख के लिए न्यास परिषद को कार्य करना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश पहले गुलाम थे और स्वतंत्र नहीं हुए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उनके प्रशासन की देखभाल करने के लिए न्यास परिषद बनाई गई। लेकिन आज की स्थिति है कि विश्व के अधिकांश देश स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए अब न्यास परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी
महत्वपूर्ण संस्था है सहकार संघ की। विश्व के विभिन्न देशों में अगर कोई विवाद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय मुख्य कार्यालय वो हेग में स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहकार संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और सहकार संघ के बहुत से ऐसे निकाय हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही सहकार संघ का जो ऑफिस है हेड ऑफिस वो है सचिवालय। सचिवालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिवालय में महासचिव का पद होता है और ये महासचिव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति में और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में। ये तो सुरक्षा परिषद की प्रमुख अंग है, लेकिन इसके साथ साथ ही सुरक्षा परिषद के अनेक निकाय हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे यूनेस्को, जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मजदूर संगठन, विश्व डाक संघ, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे निकाय हैं सहकार संघ के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विश्व में अनेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए। सहकार संघ 1945 से सन 2020 तक निरंतर कार्य कर रहा है। इसे व्यापक रूप से विश्व शांति बनाए रखने में सफलता मिली है। इसका प्रमाण है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें देखना होगा कि द्विपक्षीय संघर्ष जारी है और सहकार संघ पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है क्योंकि पहले तो